कि आज अगर हिंदू सुरक्षित है। तो लंगर खाने के लिए आए हो ना? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं मार्टिन। एक नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पटना की सिटी, जो पटना सिटी है, गुरुद्वारा में आए हुए हैं। आज है गुरु नानक जयंती, तो चलते हैं गुरुद्वारा में। और आपको यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, आपको यहाँ पार्किंग गाड़ी लगाने के लिए भी व्यवस्था है, यहाँ पे गाड़ी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको जूता हो या चप्पल हो उसको खोल दीजिएगा, और वहाँ जमा करने का काउंटर बना हुआ है, आप काउंटर पर जाकर जमा कर सकते हैं। यह है जूता घर, यहाँ पे जूता जमा होता है या चप्पल, यहाँ पर दीजिएगा, आपको आपको टोकन मिलेगा। अंदर प्रवेश करने के लिए पहले आपको सर ढक होना चाहिए, और यहाँ पे सर ढकने के लिए आपको रुमाल मिल जाएगा। तो देखिए, हमने सर ढक लिया और चलते हैं गुरुद्वारा के अंदर, प्रवेश करते हैं। पहले आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्वागत होना है। चुके हैं अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ है, और बहुत लाइट सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था और क्या क्या चीज़ है उसके बारे में पूछते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार यादव है सर। यस सर। हमारा घर यही बगल में। यस सर। में है। तो आप यहाँ के बसिंदा हैं? जी जी। तो के बगल यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं? मैं काम नहीं करता हूँ सर। तो अभी फंक्शन मनाया जा रहा है यहाँ पर गुरु नानक जी का। आज नीतीश कुमार जी भी आए थे बिहार के सीएम। तो यहाँ आने से बहुत शांति और सुकून मिलता है। मैं बचपन से आता हूँ, मैं यहाँ मरवाड़ स्कूल में पढ़ता था, बचपन से आता हूँ। बहुत शांति और सुकून मिलता है, कुछ इनका आशीर्वाद भी रहता है हम लोगों पर। इनमें हमारी काफ़ी आस्था है, और हमें बहुत कुछ अच्छा इनसे प्राप्त होता भी है, बहुत कुछ मिलता भी है, इसीलिए और कोई खास मेरा। जो त्यौहार है, इस त्यौहार में पूरे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं संडे के लिए, संडे के लिए। और उनकी क्या कहा जाए, संडे आज अगर हिंदू सुरक्षित है, चाहे हिंदू जिसको कहते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी के ही वजह से है संडे के लिए। क्योंकि इनकी कहानी मैंने पढ़ा है, अंदर में लाइब्रेरी टाइप का है, उसमें हिंदी में है, मैंने पढ़ा है संजय के नहीं, कि जिस समय मुगल का शासन था संजय के नहीं, उस समय उसने प्रतिज्ञा किया था औरंगजेब ने कि मैं एक एक हिंदू को मुस्लिम बना के छोड़ूंगा। लेकिन इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो बलिदान दिया अपने परिवार का, और भी जो गुरु थे उन्होंने भी बलिदान दिया, मैंने कि उन्होंने जो त्याग दिया है संजय के लिए, शायद आज इतिहास में कोई दूसरा नहीं संजय के लिए, बस मैं। चलिए तो देखे कि चाचा मतलब बहुत यहाँ पे हमेशा आते हैं, अस्थि वहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छा लगते हैं उनका, और बहुत शांति माहौल भी है यहाँ पे। आप लोग आइए, जो चाचा जी बोले हैं कि यहाँ लोग बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो गुरु गोविंद सिंह जो स्थापित है, जो अंदर कैमरा अलाव नहीं है, पर यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है, अब डिस्प्ले के थ्रू आप अंदर का मतलब जो है वो ले सकते हैं, और प्लस बिना कैमरा के अलाव है जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पर कैमरा या वीडियो करना अंदर अलाव नहीं है। यहाँ बाहर डिस्प्ले लगा हुआ है, डिस्प्ले आप देख सकते हैं।
अंदर फोटोग्राफी माना है और देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी हैं जो आपको जाने के लिए यहाँ से आपको गेट है मेन गेट है जो आप यहाँ से गुरु गोविंद सिंह का दर्शन ले सकते हैं। तो आप चलिए अब आपको लंगर के नज़ारे दिखाते हैं कैसे यहाँ लंगर बनता है और कैसा लंगर है वो हम आपको खा के टेस्ट करके भी बताएंगे। तो चलते हैं लंगर की ओर। देखते अपने हाथों से अपने गोलन बनाते हैं लंगर के लिए। यहाँ लोग बड़े आस्था से और अपने लगन से ये लोग अपने मन से अपनी रोटी बना रहे हैं लगन लंगर के लिए। तो आप लोग देख चुके हैं रोटी ये अपने करते और घी भी लगा रहे हैं उसमें घी में भी घी भी लगते हैं वो जैसे घी लगते हैं। देख रहे हैं आंटी लोग अपने हाथों से अपने घी लगा रहे हैं। तो देख के हम जा रहे हैं हम लोग लंगर खाने के लिए और लंगर खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग देख चुके हैं बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। लोग आए हुए हैं लंगर खाने के लिए देख चुके हैं या सब बच्चे लोग हैं। तो लंगर खाने के लिए आए हो ना तो क्या वेट करना पड़ रहा है कितना देर है? एक घंटा देर है। तो इस समय अभी एक घंटा रुके हुए हैं लंगर खाने के लिए। देख चुके हैं सब बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो लंगर खाने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हो सब? इमली इमली तर या सिटी इमली तर से आए हुए हैं। सब ठीक है तो चलते हैं हम भी लंगर खाने के लिए।